नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जान गए होंगे कि किस विषय पर आज बात होने वाली है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही यानी कि 2022-23 का जो बजट है उस बजट की घोषणा करते हुए 21,531 पदों पर स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती करने की घोषणा की, जो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गुड न्यूज है सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर या सेकंड ग्रेड की या अन्य किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की जिसकी उन्होंने घोषणा की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अभी से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं आज की इस वीडियो में कि स्कूल लेक्चरर, जी हाँ दोस्तों, जो व्याख्याता है जिस पर भर्ती करने की घोषणा की गई है 4,444 पदों पर, तो बहुत अच्छी वैकेंसी ये आने वाली है। तो लगभग कब तक वैकेंसी आएगी और कब तक एग्जाम होने की संभावना है, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं, आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग में 21,531 पदों पर भर्ती होने वाली है, और यहाँ पर फिलहाल हम बात करते हैं व्याख्याता यानी कि स्कूल लेक्चरर के 4,444 पदों पर जो भर्ती होने वाली है। अब देखते हैं वैकेंसी कब तक आएगी, कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो इस पर हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में स्कूल लेक्चरर की भर्ती कम्प्लीट हुई है, और कंप्लीट तो नहीं कह सकते, अभी कुछ चीज़ें उसमें पेंडिंग हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर नई भर्ती की बात करें 2023 में जो भर्ती आएगी 4,444 पदों पर, इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, देखिए आप नीचे देख सकते हैं कि विभाग द्वारा उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर सक्षम स्तर से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही करें। 31 मई से पूर्व भर्ती हेतु अभ्यर्थना आयोग बोर्ड भर्ती संस्थान को प्रेषित की जाएगी। विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 31 मई से पूर्व भर्ती अभ्यर्थना भर्ती संस्थान को प्राप्त हो जाए। दोस्तों इन्होंने डेडलाइन जो दी है वो है 31 मई, यानी कि 31 मई तक जो अभ्यर्थना है वो संबंधित विभाग को या संबंधित भर्ती संस्थान को भेजी जानी जरूरी है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सीधे सीधे संकेत मिल रहे हैं कि मई तक जो है वो अभ्यर्थना पहुँच जानी चाहिए। तो दोस्तों मई तक अगर ऐसा होता है तो ये मान के चले कि स्कूल लेक्चर की अगर हम बात करें तो मई या जून, जी हाँ दोस्तों मई या जून में वैकेंसी आ जाएगी, जी हाँ। और साथ ही इधर डीपीसी भी हो चुकी है, जी हाँ दोस्तों डीपीसी यानी कि जो स्कूल लेक्चरर हैं उनको वाइस प्रिंसिपल यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो वाइस प्रिंसिपल भी बहुत जल्द बन जाएंगे। तो उसके बाद स्कूल लेक्चरर्स के काफ़ी पद खाली हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले अगर वैकेंसी आएगी तो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी ही यहाँ पर आने की संभावनाएँ दिखाई दे रही है। तो स्कूल लेक्चरर की बात करें तो दोस्तों मई या जून, जी हाँ दोस्तों मई या जून में स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आ जाएगी, और यहाँ पर मई में आने की संभावनाएँ ज़्यादा बनती है। तो देखिए मई या जून में वैकेंसी आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम कब तक होंगे, तो दोस्तों स्कूल लेक्चरर की बात की जाए तो अगस्त में एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर बनती है। कहूँगा कि जिस हिसाब से ये पूरा समीकरण बन रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त में जो है वो इसकी परीक्षा है वो शुरू हो जानी चाहिए। तो अगस्त या सितंबर में इसके एग्ज़ाम भी होने की पूरी संभावनाएँ दिखाई दे रही है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर की तो दोस्तों अभी से ही आप बेहतर तैयारी शुरू कर दीजिए। हाँ दोस्तों ज़्यादा समय नहीं गंवाएं, क्योंकि अंतिम साल है चुनाव का ये, और चुनावी साल जिसे हम कहते हैं, तो इस बार चाहेगी सरकार भी कि जो भी घोषणाएं उन्होंने की तो सारी घोषणाएं वो पूरी करने पर जोर देगी। इसलिए वैकेंसी आई है तो निश्चित रूप से इसी साल एग्ज़ाम होगा, 101% होगा। तो आप बेफिक्र होकर के, टेंशन फ्री होकर के अच्छे से तैयारी अभी से शुरू कर दें ताकि आप अपनी एक सीट पक्की कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप और भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सारे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उन्हें भी आप जरूर देखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बात और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।